केस स्टेटमेंट करंटली स्विच के केस में प्रोवाइड क्या किया है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ केस। मीन्स इस केस में अगर पोर्ट से एस वन स्टेटमेंट को कंसीडर करें, इस केस में एस वन नाई केस वन का पार्ट और नाई केस टू का पार्ट, मीन्स डायरेक्टली पुट किया है इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच बट आउटसाइड केस स्टेटमेंट, आउटसाइड एनी केस। ऑलरेडी स्विच प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, स्विच के अंदर और स्विच के बॉडी पार्ट में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट किसी भी प्लेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल, मे बी इनसाइड केस और आउटसाइड केस। बट सपोज दैट अगर कोई भी स्टेटमेंट केस के बाहर प्रोवाइड किया जाए, स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई के प्लेस पर सप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ आई विच इज वन, वन ही मैच किस हो रहा है केस वन से, केस वन से मैच हो रहा है, देन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड बॉडी ऑफ केस वन, केस वन के रिस्पेक्ट में आउटपुट में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एज अ एस टू, एस टू प्रिंट होने के बाद फाउंड हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक से कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच लाइक दैट, देन स्विच के बॉडी के बाद कोई भी स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है ओनली इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा एस टू। मीन्स स्विच के बॉडी पार्ट में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आउटसाइड केस प्रोवाइड करना तो पॉसिबल है, लेकिन स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिकल थिंग्स।